शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से। अरे क्या कर रही हो आंटी? आंटी हो गई तेरी माँ। अब तो देख ये आंटी तुझे पटक पटक के कैसे मारती है। तेरा इलाज ना मुझे पहले दिन ही कर देना चाहिए था। ये सब तेरा ही किया धरा है ना। आज के बाद तुम आरती के आसपास भी नजर नहीं आओगे, ना तुम उसे फोन करोगे ना उसे मिलने की कोशिश करोगे, समझे? हमें ये घी वाला हलवा नहीं खाना, हमें नहीं पसंद। एक बात ना 100 बार समझाओ, समझ ही नहीं। कीर्ति बेटा, अगर इतना ही नापसंद था तो आप हमें बता देते। अब क्या बताएं आपको, इन्हें चटपटा खाना है, तीखा, जो इनकी जबान को स्वाद दे। आजकल के बच्चों को ना बस यही पसंद है। हम तो इसे समझा समझा के थक चुके हैं। यशवी जी, पुराने लोग जो सिखा गए हैं वो बहुत ही पौष्टिक है, खासकर गर्भवती महिला के लिए। शरीर को ताकत देता है, है ना? जी ठीक कह रही हैं आप। सच में ये एड फिल्म करनी है तो 12 बजे आके मिलो, वरना भूल जाओ। जाना तो है हमें, पर कैसे? क्या हुआ बेटा, सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ, वो अचानक से हमारे सर में बहुत दर्द होने लगा। पर कोई बात नहीं, आप लोग जाएंगे तो हम आराम कर लेंगे। ठीक है, हम चले जाते हैं, आप आराम कीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो हमें मैसेज कर दीजिएगा। जी। यशवी जी, हम बाहर बैठ के चाय नाश्ता कर लेते। इसी भी फेंको, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। एक मुसीबत तो खत्म हुई, अभी दूसरी मुसीबत का क्या करूं? कैसे निकलूं इस घर से बाहर? भाभी, अगर आपके जैसा कोई घर में हो तो कभी कोई किसी मुसीबत में ही ना फंसे। मैंने आपके साथ जो इतना बुरा बर्ताव किया, क्या आप उन सबको कभी भुला पाओगे? क्या आप कभी माफ करेंगी मुझे? आरती, जो बात बीत गई है उसके बारे में सोच के क्या फायदा? रोना बंद करो और अब सिर्फ अच्छी बातें। चलो अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं देख रहा था तुम यहां मजे से घूम रही थी, हाँ? मुझे लगा तुम्हें याद दिला दूं। 7 दिन तुम्हारे आज खत्म हो गए इस घर में, और हमारा ये जो ये रिश्ता था ना, वो भी खत्म। चलो निकलो यहां से। हम है कीर्ति। नहीं काम करना है तो सीधे बोल दो ना, और दूसरों का वक्त बर्बाद मत करो। टाइम देखो, इतनी देर कैसे हो गई? अब चिल्ला क्यों रहे हम पे? बस 15 मिनट लेट तो आए हैं। इसमें ऐसा क्या हो गया, आसमान गिर गया क्या? और आपको क्या पता कि कैसे बच बचा कर हम अपने घर वालों से यहाँ तक पहुँचे? अपने परिवार की बात ना तुम मत ही करो। तुम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें आगे ले जाने की। तुम्हारी बहन अगर बार बार मेरे रास्ते में आई तो क्या किया दीदू ने? चिंता मत करिए, ये ऐड आप ही करेंगी। आपकी दीदू ने ना मुझे धमकी दी है आपसे दूर रहने के लिए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। हमें शूटिंग शुरू करनी है कीर्ति जी, इसे खोलकर बार बार निहारने का वक्त नहीं है। भरोसा है तो साइन करिए। पढ़ लेना चाहिए था कीर्ति बेबी, क्योंकि जब पता चलेगा क्या साइन कर दिया तुमने, होश उड़ने वाली है तुम्हारी। ये है कीर्ति। कीर्ति जी, अरे काफी तारीफ सुनी आपकी कुणाल जी से, तो तैयार है आप? हाँ। एक मिनट, अरे ऐसे घूंघट में शूट नहीं करते कीर्ति जी, हटाइए इसे। अरे ये क्या कर लिया कुणाल भाई, ये क्या? आप एक काम करिए, आप सुनिए, इधर आइए। हम एक काम कर सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम दो बार में कर लेते हैं, बिफोर आफ्टर, है ना? तो जब ये ठीक हो जाएगी तो दूसरा वाला ले लेंगे। गुड है, ठीक है, चलिए आप लेके आइए। चलिए, आप रेडी हो जाए, हम शूट स्टार्ट करते। क्या हुआ? अच्छा हुआ एड शूट था। हम एक काम करेंगे, पहले ये जो आपका चेहरा है ना, फर्स्ट शूट के लिए पिंपल वाले चेहरे को आज शूट कर लेते, और उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगी तो दूसरे का शूट। कि क्रीम ने क्या चमत्कार कर दिया, बढ़िया। हाँ। तो चलिए रेडी हो जाइए। क्या हुआ श्रद्धा, तुम्हें न्योता देना पड़ेगा क्या? तुमने सुना नहीं अभय ने क्या कहा? निकलो यहाँ से। सोनिया, ये क्या तरीका है बात करने का? अब वैसे भी ये श्रद्धा का घर है, तो वो क्यों जाएगी यहाँ से? अबे ये क्या हो रहा है? जब ये बाहर के अनजान इंसान के साथ रिश्ता निभाना चाहती है तो क्यों बांधना उसको उसके घर के साथ? मम्मी, अबे श्रद्धा रुको, होश में तो मैं अब आया हूं। और जब आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा ना, जब आपको पता चलेगा कि जो आज तक ये दिखाती आई है वो सब एक झूठ था। अब भाई चुप हो जाइए, ये कैसी बेहुदा बातें आपकी जबान से निकल रही है? आपकी जबान फिसल रही है क्या? जब ये अनजान आदमी के साथ फिसल सकती है तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा सकती है। अपनी आंखों से देखा है इसको उसके साथ, अरे इस घर की चौखट तक भी आया वो। श्रद्धा, हम तुमसे पूछ रहे हैं, अबे क्या बोल रहा है? जो भी बात है तुम हमसे बोलो। अरे बोलो श्रद्धा। मम्मी जी, अब मेरा कुछ भी कहना मायने नहीं रखता है। मैं चलती हूं।
समझती अपनी जिंदगी का अगला हर कदम बहुत संभाल कर रखना। अपना और घर वालों का बहुत ध्यान रखना, पूरी जिम्मेदारी के साथ। श्रद्धा जी, कभी हमें भी शुक्रिया बोलने का मौका दीजिए। शुक्रिया क्यों? क्योंकि अब ये रोज रोज के ड्रामे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया श्रद्धा। चल रहा था और आप आज ऐसे हमें ये सब बता रहे हैं? आपने जो कुछ भी देखा हमें नहीं पता, अपनी आंखों से देखा हो ना देखा हो, लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि श्रद्धा किसी गैर आदमी के साथ। आ,
अरे यार, नहीं करनी थी मुझे इतनी जल्दी शादी। हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कभी कुछ नहीं बन सकता। ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो आइसक्रीम की दुकान में तुम्हें जो पसंद है वो ले लो वहां से। जब ये अनजान आदमी के साथ फिसल सकती है तो मेरी जुबान भी लड़खड़ा सकती है। एक चोट से टूट जाए, हमारा रिश्ता इतना कमजोर भी तो नहीं था। मैंने कोशिश की थी इसे मजबूत रखने की, पर मैं हार गई। मैं हार गई। आरती का कौन? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस घर की बहू के बारे में इतना गलत सोचने की, इतना खलतिया अंजाम लगाने की। परवरिश का तुमने गंदा और गलत साबित कर दिया। चाचू संभाल के। अबे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तू श्रद्धा के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू इतनी गिरी हुई बात सोच सकता है, और वो भी श्रद्धा के बारे में। अबे बेटा एक बार याद तो कर लेते कि किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो। उसके बारे जो चट्टान की तरह तुम्हारे इस परिवार के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी रही। रहने दीजिए भाई साहब, अब ये बड़ा हो क्या है, इसे अपनी मनमानी करने दीजिए। तनुजा जी, शिकायत तो हमें आपसे, जिस बच्ची ने इस परिवार को जोड़ के रखा, सब कुछ दे दिया इस परिवार के लिए, आपने उसे बेइज्जत होने दी। सुनाइए, आप भी मुझे ही सुनाइए, पर पापा इस बार सच ये है कि इज्जत उसने नहीं रखी है। आपके भरोसे की, आपके प्यार की, हमारे रिश्ते की। अरे जानता हूं 100 कमियां हैं मुझ में, पर मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आज के बाद उस घटिया श्रद्धा का इस घर में किसी ने भी नाम लिया तो देख लेना। तुमने साबित कर दिया कि जो खुद की परवाह नहीं करते, दूसरों के बारे में सोचते, उनकी परवाह करते, उनका अपने ही घर में, अपने ही पति की नजरों में कोई कदर नहीं होती। शाबाश अभय अनुज त्रिपाठी, शाबाश। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, सही सिला दिया तुमने अपनी पत्नी के हर एक एहसान का। पता है अबे, आज तुमने साबित कर दिया कि मर्द चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, खुद को कितना भी जिम्मेदार इज्जतदार बुद्धिजीवी मानता हो, आखिर में मर्द मर्द ही रहता है।
सबके सब मर गए जैसे हो, सबके सब। भैया, आज इसने हमारे गुजरे हुए कल की हमें याद दिला दी। सालों पहले हमारे पति ने हम पर इल्जाम लगाया था, वही इल्जाम जो आज तुमने अपनी पत्नी पर लगाया। और उस वक्त अपने आत्मसम्मान के लिए हम अपना सारा सामान लेकर उस घर को छोड़कर चले आए, जैसे आज श्रद्धा चली गई इस घर को छोड़कर। सबने कहा कि तू चकड़ालू है, अपने पति से झगड़ा करके घर छोड़कर चली आई है। नहीं, अरे तू कभी झगड़ालू नहीं थी। अपने आत्मा सम्मान के लिए घर छोड़कर आ गई जो उसका अपना था, और आज श्रद्धा ने भी वही किया, चली गई वो इस घर को छोड़कर। ये उसका अपना घर था ना, वक्त बदल गया, लोग बदल गए, मगर मर्द मर्द नहीं बदला और ना उसकी घटिया सोच बदली। आज भी पति पत्नी के रिश्ते में पत्नी की जगह वही होती है। जब पत्नी अपने पति पर शक करे तो वो उसका वहम, लेकिन जब पति अपनी पत्नी पर शक करे तो वो अटूट सत्य। शुक्रिया अभय, शुक्रिया, हमें फिर से सालों के बाद ये सच याद दिलाने के लिए। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हम अपने भाइयों के यहाँ पर रहते, उनके दिल में बसते। आज तक इस घर के किसी भी मामले में हमने दखल नहीं दी, लेकिन आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था अभय, नहीं होना चाहिए था। जो हुआ वो हमसे नहीं देखा जा रहा, नहीं हो रहा है बर्दाश्त, टूट गया। अरे उस बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और हम उसके लिए आज कुछ नहीं कर पाए। हम कुछ नहीं कर पाए, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन सच सच होता है। जब श्रद्धा की सगी बहन ने तुम पर इल्जाम लगाया, तब इनमें से कौन खड़ा था तुम्हारे साथ? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़ी रही, कोई सवाल नहीं किया, कोई सबूत नहीं मांगा तुमसे, सिर्फ भरोसा किया तुम पर। और आज जब भरोसा करने की बारी तुम्हारी आई अभय, तो तुमने क्या किया? उसे वनवास दे दिया। सबूत चाहिए ना तुम्हें? सच जानना है तुम्हें? हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताएंगे कि कैसे इस घर को छोड़ने के बावजूद इस घर की लड़की तुम्हारी बहन आरती उसी को बचाने में लगी हुई है। वो जिस रिश्ते में मेरे लिए प्यार था, भरोसा था, उन्हीं पलों की तस्वीर खींच के दुनिया को दिखाने की धमकी दे रहे हो? ये फोटो मुझे दे। आरती छोड़ो फोन। कुणाल, रोक, रोक। आरती को बचाने के बजाय तो उसकी जिंदगी और मुश्किल में डाल रही है। श्रद्धा, फोन दे।
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।